और फिर आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं UPSSC पेट का एग्जाम होने वाला है सितंबर में, तो उसी के संबंध में इंडियन इकोनॉमी, सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं, लास्ट ईयर जो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे भारतीय अर्थव्यवस्था से, UPSSC पेट का आपने सिलेबस देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं यहां से, इस टॉपिक से आपके सिलेबस में दे रखे हैं जो भी चीज़ें दे रखी हैं वहां से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2000 जो लास्ट ईयर हुआ था 2021 का पेपर, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो 5-5 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो उन्हीं क्वेश्चंस को आपको मैं यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन दिखाने वाला हूँ। बाकी वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो कुछ चीज़ें आपको वीडियो के लास्ट में बहुत सी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है इकोनॉमिक्स का, टोटल 10 क्वेश्चन जो है हम देखने वाले हैं जो कि 2021 के पैट के पेपर में पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो श्वेत क्रांति की यहाँ पर बात हुई है, तो जितनी भी क्रांतियाँ हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन आपको मैं देने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर, जहाँ पर इन सभी ऑप्शंस को और जितनी भी इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ हैं उनके जनक वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो आपने देख ही लिया होगा, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आगे देखिए, आगे जो अन्य ऑप्शन दिए हैं वो भी देख लीजिए। एक तो बलवंत राय मेहता ऑप्शन में दिया था, तो ये जो है इनके द्वारा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसकी सिफारिश की गई थी, ठीक है, 1957 में। और नेक्स्ट ऑप्शन था MS स्वामीनाथन, इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसी प्रकार एक और पूछा जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक, तो वो बोला जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो भी आने वाला UPSSC पेट का एग्जाम है, तो आपको ध्यान से ये चीज़ें देखनी है, लास्ट तक वीडियो देखना है, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रांतियां हैं, क्योंकि श्वेत क्रांति का लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अन्य जो भी इंपॉर्टेंट क्रांतियाँ हैं वो भी आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए। नीली क्रांति की बात करेंगे तो 1985 में स्टार्ट हुई थी, इसके जनक जो हैं हीरालाल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये इसके जनक हैं, ठीक है। किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। इसी प्रकार भूरी क्रांति की बात करेंगे तो ये कोको और चर्म उत्पादन से संबंधित है, हीरालाल चौधरी इसके जनक हैं। आगे देखिए धूसर क्रांति, इसको ग्रे क्रांति भी बोलते हैं, 1960-70 में ये शुरू हुई थी और ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। आगे देखिए यहाँ पर दिया रखा है गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति 1970 में शुरू हुई थी, झींगा औषधि प्याज इन सभी के उत्पादन से संबंधित है, और इसके जनक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो गुलाबी क्रांति के जो जनक हैं वो हैं दुर्गेश पटेल। आगे बढ़ते हैं पीली क्रांति, पीली क्रांति 1986 में शुरू हुई और ये खाद्य तेल और तिलहन उत्पादन से संबंधित है, और इसके जो जनक हैं वो हैं सैम पित्रोदा। सिल्वर क्रांति 1980 में शुरू होती है और ये अंडा उत्पाद, ठीक है, इससे संबंधित है। लाल क्रांति 1980 में शुरू होती है और ये किससे संबंधित है, मांस और टमाटर के उत्पादन से, और इसके जनक विशाल तिवारी को माना जाता है। आगे देखिए यहाँ पर गोल्डन फाइबर क्रांति 1990 में, ये शहद एवं हॉर्टिकल्चर, ठीक है, जूट उत्पादन इन सभी से संबंधित है, गोल्डन फाइबर क्रांति, इसके जनक निरपाक तुतेज को माना जाता है। आगे देखिए गोल्डन क्रांति 1991 में शुरू होती है और ये बागवानी और फल उत्पादन से संबंधित है, इसका भी जनक निरपाक तुतेज को माना जाता है। सिल्वर फाइबर क्रांति 2000 में शुरू होती है, कपास उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। आगे देखिए इंद्रधनुषी क्रांति जो है कृषि का समग्र विकास, इससे संबंधित है इंद्रधनुषी क्रांति। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था जो है श्वेत क्रांति से, और जितनी भी क्रांतियाँ थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं आपको पता है, एक प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो आपसे पूछा गया था सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम, तो सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम होता है वो तृतीयक क्षेत्र होता है। चलिए इस बारे में हम देख लेते हैं। तो आंसर तो आपका यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम वो तो तृतीयक क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब हम
इसके बारे में देख लेते हैं। वैसे अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र होते हैं, एक तो प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक द्वितीयक क्षेत्र होता है और एक तृतीयक क्षेत्र। तो सबसे पहले हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करेंगे, तो जितने भी कृषि से संबंधित चीज़ें होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं, ठीक है। पर्यावरण पर निर्भर जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र पर आए क्षेत्र पर जो प्राथमिक क्षेत्र है उसे संबंधित हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में जो स्वयं की प्रकृति होती है वो रेड कॉलर जॉब इनको बोला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है, तो ये जो है मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित होता है द्वितीयक क्षेत्र, जिसको विनिर्माण बोलते हैं। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद, जो जितने भी उत्पाद हैं जो प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पाद हैं उनको जो है यहाँ पर कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है द्वितीयक क्षेत्र में, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग होगी तो जो भी चीज़ें, जो रॉ मटेरियल है वो प्राथमिक क्षेत्र से आएगा, तो जो प्राथमिक क्षेत्र का जो भी उत्पाद होते हैं वही द्वितीयक क्षेत्र में यूज होते हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो ये विनिर्माण क्षेत्र इसको बोला जाता है द्वितीयक क्षेत्र को। आगे देख लीजिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, लोहा इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, ये सभी आते हैं द्वितीयक क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर भी जो है श्रम की प्रकृति अलग अलग होती है, एक होते हैं वाइट कॉलर जॉब और एक होते हैं ब्लू कॉलर जॉब। वाइट कॉलर जॉब जो होते हैं वो कुशल श्रमिक होते हैं, ठीक है, किसी भी आप कंपनी को एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं, उसमें वाइट कॉलर जॉब क्या होते हैं, जो कुशल श्रमिक होते हैं, ठीक है, जो मैनेजमेंट देखते हैं किसी भी कंपनी का वो होते हैं वाइट कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब क्या होते हैं, जो उत्पादन की प्रक्रिया में जो श्रमिक लगे रहते हैं उनको बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अब लास्ट आ गया तृतीयक क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र भी, ठीक है, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जितनी भी सर्विसेज होती हैं जैसे बीमा हो गया, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, ठीक है, ये सभी जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आती हैं, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर नोट में एक पॉइंट दे रखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा अगर योगदान की बात करेंगे तो ये जो है सर्विस सेक्टर का है, तृतीयक क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे थे, तो हम सभी को डिटेल में देखेंगे ऑप्शंस को भी। तो सबसे पहले इसके आंसर को आप देख लीजिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको CSO बोलते हैं, सेंट्रल, ठीक है, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं और ऑप्शन को भी हम देखने वाले हैं। तो इसका आंसर तो आपको पता चल गया है, इसका आंसर क्या रहेगा, केंद्रीय राष्ट्रीय आय का जो आकलन करता है वो CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। अब यहाँ पर राष्ट्रीय आय की बात हुई है तो इसको इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो राष्ट्रीय आय होता क्या है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। राष्ट्रीय आय क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष, अगर भारत के परस्पेक्टिव में बात करूँगी, भारत का एक वर्ष कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसको वित्तीय वर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो एक वर्ष के दौरान, ये अलग अलग देशों का अलग अलग होता है, तो अपने देश के बारे में बात करेंगे तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसी को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। यहाँ पर कुछ कीवर्ड हैं वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जब कोई भी राष्ट्रीय आय हो चाहे GDP हो, ये सभी टर्म अगर आपने देखे पढ़े होंगे, नहीं पढ़े वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। तो जितने भी ये टर्म होते हैं, GDP हो गया, GNP हो गया, NNP हो गया, इन सभी का जो कैलकुलेशन होता है वो जो है इसी बेस पर होता है। अंतिम जो है यहाँ पर जो मूल्य होता है, चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो, उसके अंतिम मूल्य को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब ये किया क्यों जाता है अंतिम मूल्य को, अंतिम मूल्य को इसलिए किया जाता है, किसी भी वस्तु, आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में एक समोसा लेने गए हैं, तो जब आप समोसा के लिए जब हम पे करते हैं तो आप कितने करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये का एक समोसा है, तो आप 10 रुपये पे करते हैं एक समोसा के लिए। अब इस तरीके से तो दुकानदार आपसे कहता नहीं है कि ऐसा करिए 2 रुपये का इसमें जो है आलू लगा है, 1 रुपये का इसमें धनिया पड़ा है, ठीक है, अलग अलग तो बताता नहीं है, वो अंतिम मूल्य आपको बता देता है 10 रुपये का आपको पड़ेगा समोसा। अगर इसी प्रकार अगर वो अलग अलग बताएगा 2 रुपये का ये चीज़ पड़ी है, 2 रुपये की ये चीज़ पड़ी है, ठीक है, और बाद में समोसा का भी कहेगा कि 5 रुपये का, 10 रुपये का जो भी है समोसा है, तो होता क्या है कि इसमें दोहरी गणना हो जाती है। एक बार तो अलग अलग वो काउंट कर लेता है, फिर इकट्ठा काउंट करता है, तो इसी दोहरी गणना से बचने के लिए अंतिम जो है मूल्य काउंट किया जाता है, चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो, उसका अंतिम मूल्य ही यहाँ पर काउंट होगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए
फिलहाल में राष्ट्रीय आय आप समझ गए होंगे क्या होता है। राष्ट्रीय आय क्या होता है, किसी भी कोई भी अर्थव्यवस्था है उसको जो है एक वर्ष में उसने जो भी सेवाएं दी हैं, ठीक है, जो भी वस्तुओं को प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है उसका अंतिम मूल्य का जो भी कैलकुलेशन योग बनेगा वही उसकी राष्ट्रीय आय हो जाती है। आगे देख लीजिए, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना, जो गणना का सबसे पहला प्रयास जो किया गया था वो दादाभाई नौरोजी ने किया था 1867-68 में। तो इन्होंने बताया था 1868 के लिए इन्होंने बताई थी प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो अनुमान लगाया था राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का, तो दादाभाई नौरोजी ने लगाया था। कितना लगाया था इन्होंने 1868 में बताया था प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये। इसके बाद 1911 में एक और लोग आए, एफ सिर्रास, इन्होंने भी प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया, तो उन्हें इन्होंने 1911 में लगाया था 49 रुपये प्रति व्यक्ति आय, किसके द्वारा, एफ सिर्रास के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपको ध्यान रखना होगा। आगे देखिए, तो राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय आय तक पहुंचने के लिए सबसे पहले कुछ टर्म हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। जैसे पहला टर्म है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, इसका कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ देते हैं, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी को देख लीजिए, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। होता क्या है कि देश की घरेलू सीमा के भीतर निवासी तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी होता है। तो आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ, जीडीपी क्या होता है। किसी भी देश में, आप हमारे देश में ले लीजिए, इंडिया में क्या होता है, जो भी सर्विसेज कुछ कंपनियां सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, कुछ जो है प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। अब यहाँ पर अपने देश की भी कंपनियां हैं और विदेशों की भी कंपनियां हैं, समझ रहे ना। तो यहाँ पर जीडीपी में क्या होता है कि अपने देश में जो भी कंपनियां सर्विस प्रोवाइड करती हो, चाहे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हो, चाहे विदेश की कंपनियां यहां पर अपना काम करती हो, तो जीडीपी में इन सभी को काउंट किया जाता है, ठीक है। उसका जो भी अंतिम मूल्य होगा उसी का मौद्रिक मूल्य जीडीपी होता है। तो जीडीपी में आपको ये चीज़ मोटा मोटी ध्यान रखनी है, यहां पर एक देश के अंदर, ठीक है, चाहे विदेशी कोई भी कंपनी काम कर रही हो, चाहे अपने देश की, उस सभी का जो है, चाहे बस जो सेवाएँ दे रही हो, चाहे वो जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही हो, तो उन सभी का जो अंतिम मूल्य होगा उसी को जीडीपी बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे जीडीपी क्या होता है। आगे देख लीजिए, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक, एक कभी कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है कि किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप कौन सी है, तो वो जीडीपी ही है। जीडीपी के द्वारा ही है उस देश के बारे में हम बता सकते हैं कि वो कितना आर्थिक रूप से समृद्ध है, ठीक है। तो जीडीपी की बात हो गई है, जीडीपी से आप जीएनपी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यहाँ से हमें आना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रॉस नेशनल में आने के लिए क्या करते हैं, इसका फार्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स होती है देशवासी जो विदेशों में आय अर्जित करते हैं, और एम होती है विदेशी जो लोग हमारे देश में आय अर्जित करते हैं, तो उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। एक्स जो हमारा कोई विदेश में है कोई भी आदमी, वो पैसा कमा रहा है, और एम जो है कोई विदेशी हमारे देश में कमा रहा है, तो इसको माइनस करने के बाद जो आता है उसको जीडीपी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेशनल लगाते हैं। नेशनल में क्या करते हैं, जो दूसरे देश में हमारा कोई कैंडिडेट है उसको उसका जो भी पैसा है वो हम काउंट करेंगे, और हमारे देश में जो विदेशी कोई काम कर रहा है उसको हम उसका माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। इसी प्रकार आप एनडीपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनडीपी, जीडीपी से एनडीपी कैसे निकालेंगे, ये ग्रोस होता है, ये नेट होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब ग्रोस से नेट में आते हैं तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन घटा दिया जाता है, जिसको ह्रास बोलते हैं। ये क्या होता है, डिप्रिसिएशन या ह्रास, ये क्या होता है, कोई भी चीज़ आप मान लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मोबाइल होगा, आप मोबाइल फॉर एग्ज़ाम्पल 12,000 का लेके आए हैं, अगर आप एक साल के बाद उसको बेचने जाएंगे तो 12,000 का नहीं बिकेगा, आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, ये 12,000 का वो नहीं बिकेगा, वो फॉर एग्जांपल 8,000 का बिकेगा। तो ये जो वैल्यू का जो डिफरेंस आ रहा है 4,000 का, इसी को डिप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है, घिसावट हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो यही होता है, ग्रॉस से जब नेट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर डिप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है, घिसावट को माइनस कर दिया जाता है। इसी प्रकार एनडीपी से जब एनएनपी कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, जीएनपी, अभी जीएनपी मैं आपको बता चुका हूँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब आप डिप्रिसिएशन घिसावट घटा देंगे तो आपको यहाँ पर एनएनपी मिल जाएगा। तो यही एनएनपी होता है हमारी, इसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं।
एनएनपी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे राष्ट्रीय आय क्या होती है, जो भी ये टर्म है ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ ऑप्शंस, जो ऑप्शन में आरबीआई का जिक्र हुआ था, तो आरबीआई की बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। प्रथम गवर्नर इसके हैं ओसबर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो सीडी देशमुख। आगे देखिए, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर। आगे देख लीजिए यहाँ पर, अब बैंकिंग क्षेत्र की बात हुई तो बैंकिंग क्षेत्र पे इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। बैंकिंग क्षेत्र की बात करेंगे तो बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843, जो प्रेसिडेंसी उस समय काम कर रही थी उसी उन्हीं के नाम से उस समय तीन बैंक ये बनाए गए थे। इन तीनों का 1921 में आपस में मर्ज कर दिया गया और एक नया नाम आता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है 1 जुलाई 1955 को, और एक बैंक बनता है SBI, जिसको आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। वर्तमान में आपको पता होगा 12 पब्लिक सेक्टर बैंक कार्यरत हैं हमारे देश में। कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, आप लोग महारत्न कंपनियों से इसको कन्फ्यूज कर जाते हैं। आपसे पूछा जाता है वर्तमान में पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, आप 11 लगा के चले जाते हैं। तो 11 इसमें महारत्न कंपनियाँ हैं, न कि बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक 12 है, महारत्न कंपनियाँ 11 हैं। तो 11वीं ये है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। तो ज़्यादा हम वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए कुछ जो है क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, आगे आपको बता देंगे इसके बारे में। चलिए, इसका तो आपको पता ही होगा 1991 में जो है पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ठीक है। तो ये इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर, एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बैंक दर का क्या अर्थ होता है। तो इसका पहले तो आंसर देख लीजिए, बैंक दर क्या होता है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ठीक है। जो अपना केंद्रीय बैंक है आरबीआई, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं हमारे देश में, उनको जिस रेट पर पैसा देता है उसी को बोलते हैं बैंक दर। अब यहाँ पर बैंक दर की बात हुई है तो इससे रिलेटेड बहुत से चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि पिछली बार बैंक दर पूछा गया है तो इस बार हो सकता है आपसे CRR पूछ लिया जाए, कैश रिजर्व रेशियो SLR पूछ लिया जाए, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको बोलते हैं, ठीक है, रेपो रेट पूछा जा सकता है, रिवर्स रेपो रेट पूछा जा सकता है। ये सभी क्या होते हैं, चलिए मैं यहीं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सभी एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए अगर तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो बैंक रेट क्या होता है, इसका आंसर बैंक रेट है। बैंक रेट क्या होता है, ये दीर्घकालीन ऋण के लिए होता है बैंक रेट। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाते हैं बैंक रेट और रेपो रेट में। रेपो रेट हमेशा अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिया जाता है, बैंक रेट जो होता है दीर्घकालीन के लिए दिया जाता है। ये मोटा मोटा अंतर ध्यान रखना है। बैंक रेट क्या होता है, आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है उसी को बोलते हैं बैंक रेट। अब बैंक रेट ये रिलेशन क्या होता है, बैंक रेट का लिक्विडिटी से, तरलता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी इस क्वेश्चन पर बात करेंगे जो लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था, कैश रिजर्व रेशियो से रिलेशन आपसे पूछा गया था। तो बैंक रेट क्या होता है, जब बैंक रेट बढ़ेगा तो उसी है, उसका रीजन क्या होगा कि तरलता जो है लिक्विडिटी घट जाएगी। इसको आप एक एग्जाम्पल समझिए, फॉर एग्जाम्पल बैंक रेट इस समय चल रहा है 5%, ठीक है। 5% पे आरबीआई पैसा जो है जो भी कमर्शियल बैंक हैं उनको दे रही है। अगर इसी रेट को अगर क्या कर देती है कि 4% फॉर एग्जांपल बैंक रेट को उसने कर दिया है, अगर रेट उसने कम किया है तो वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंगे, यही पैसा जो है मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी लोग लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा, इसका मतलब है कि मार्केट में तरलता यानी कि लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, अगर बैंक रेट कम होता है, ठीक है, इसी प्रकार बैंक रेट अगर बढ़ाया जाता है तो ये रिलेशन आप समझ लीजिए, अगर बैंक रेट बढ़ता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तरलता में कमी आएगी। और इसी प्रकार बैंक रेट अगर घटेगा, जिसका कि एग्जाम्पल मैंने दिया है, उससे क्या होगा, तरलता मार्केट में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे लिक्विडिटी और बैंक रेट में रिलेशन। आगे देखिए रेपो रेट के बारे में, तो रेपो रेट क्या होता है, वही होता है जो बैंक रेट होता है, वो दीर्घकालीन होता है, ये अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कमर्शियल बैंक को आरबीआई के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी वही रिलेशन होता है जो बैंक रेट में होता है,
रेपो रेट बढ़ेगा तो तरलता घटेगी। फॉर एग्जांपल इसको एक बार फिर समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल रेपो रेट जो भी हो आप आरबीआई की साइट पर विजिट कर सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, 5% इसमें रेपो रेट है, यानी कि आरबीआई 5% पर कमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा है। फिर क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसको वो बढ़ा रहा है, रेपो रेट को उसने कर दिया है 6%, ठीक है। जब रेपो रेट को 6% कर दिया है तो इसका मतलब है कमर्शियल बैंक अब जो है आरबीआई से पैसा कम लेंगे, क्योंकि उसने रेपो रेट बढ़ा दिया है। जब पैसा कम लेंगे तो बैंकों के पास का पैसा भी कम जाएगा, उसी हिसाब से वो मार्केट में पैसा भी कम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, तो इस हिसाब से जो है तरलता मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो घट जाएगी, ठीक है। और अगर रेपो रेट घटता है तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। आगे देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट जो है रेपो रेट का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है और रेपो रेट में आरबीआई पैसा देता था, जो भी कमर्शियल बैंक हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, यह भी अल्पकालिक अवधि के लिए होता है। इसमें वही रिलेशन होता है जो अभी हम लोगों ने बात किया है रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट में, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी, इसी प्रकार रिवर्स रेपो रेट अगर कम होगा तो लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी। इन सभी चीज़ों का जो आरबीआई यूज करता है मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो महंगाई वगैरह है उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये सभी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, अभी मैं इस पर आता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए क्या है CRR, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी में बात करते हैं तो नगद आरक्षित अनुपात। ये कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कुल जमा का वह प्रतिशत जिसे आरबीआई के पास अनिवार्य जमा करना पड़ता है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। आप समझ गए होंगे कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, कि हर बैंक को एक जो फिक्स परसेंटेज है वो आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से जमा करना होता है, उसी को बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो इसका रिलेशन पूछा गया था एग्जाम में कि अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया जाता है तो उसका साख सृजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए अगर कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाया जाता है तो उसका साख सृजन जो है कम होगा, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट, अगर CRR कैश रिजर्व रेशियो घटाया जाता है तो साख सृजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस समय जो है CRR 20% है, इसका मतलब ये है कि जो भी बैंक के पास अमाउंट है उसका 20% RBI के पास उसको जमा करना है। फॉर एग्जांपल 100 रुपये इस समय बैंक के पास हैं तो 20 रुपये उसको RBI के पास जमा करने पड़ेंगे। अब क्या होता है, इसी में RBI क्या करता है, जो CRR है उसको बढ़ा के 20 से 25% कर देता है। अब क्या होगा, पहले सौ में क्या होता था कि उसको 20 जमा करना पड़ता था RBI के पास, 80 उसके पास बचता था। अब क्या हो रहा है कि उसको बढ़ा के उसने 25% कर दिया है, इसका मतलब कि 25 रुपये जो है RBI के पास उसको अनिवार्य रूप से जमा करना है और उसके पास सिर्फ बचेगा 75 रुपये, तो इसी को वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि इसकी साख सृजन क्षमता पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे CRR बढ़ेगा उसी प्रकार उसकी साख सृजन क्षमता घटेगी। समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, आप समझ रहे होंगे, नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, आगे एक्सप्लेनेंस कर दिया जाएगा। वैसे आपको समझ में आ गया होगा ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं। आगे देखिए एक दो और रेट बचे हैं, वो भी आप देख लीजिए। एक रेट बचा है PLR, प्राइम लैंडिंग रेट। ये क्या होता है, ये वो रेट होता है, क्या होता है कि बैंक किसी एक उस ग्राहक को, बैंक जिसके बारे में समझता है कि इसके बारे में जो है रिस्क जो है शून्य है, जोखिम एक बहुत से ऐसे ग्राहक होते हैं जिनके बारे में जो टाइम से पेमेंट करते हैं तो उनके लिए ये है, ठीक है। उनको जो है प्राइम लैंडिंग रेट पर जो भी ब्याज वगैरह वो अगर लोन लेना चाहें तो इस पर मिल जाता है, क्योंकि उनको बैंक उनका रिकॉर्ड देखता है कि हाँ ये जो है इनके संबंध में जोखिम शून्य है, रिस्क शून्य है, क्योंकि इनका जो पिछला जो डेटा बता रहा है कि ये टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। तो यही सब रेट हैं मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये था बैंक दर क्या होता है, तो ये तो बता दिया है बैंक दर क्या होता है, RBI ठीक है कॉमर्शियल बैंक पर जो चार्ज करता है तो उसी को बोलते हैं बैंक दर। आगे देखिए ये देखिए क्वेश्चन, इसके बारे में मैं बात कर रहा था, यदि RBI, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी लास्ट पैट में, तो आपको ध्यान देना है। यदि RBI नगद कोषानुपात, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, अगर नगद कोषानुपात घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर पड़ेगा। जब नगद कोषानुपात घटाता है तो साख सृजन बढ़ जाएगा। अभी मैंने इसके बारे में बात की। वैसे होता क्या है, CRR कैश रिजर्व रेशियो वो होता है एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो अनिवार्य रूप से बैंक को RBI के पास जमा करना पड़ता है,
उसी को बोलते हैं CRR। इसको एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम में CRR जो है वो 20% है। इसका मतलब ये है कि अगर बैंक के पास 100 रुपया है तो 20 रुपये उसको RBI के पास जमा करना पड़ेगा, उसके पास 80 रुपये बचेंगे जिसको वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इसी प्रकार अगर वो इसमें बोला गया नगद कोषानुपात घटा दे तो 20% से अगर वो CRR 15% बैंक कर देता है RBI, तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि अगर बैंक के पास 100 रुपये हैं तो 15 रुपये वो RBI के पास जमा करेगा और 85 रुपये उसके पास बचेंगे जो कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं उसकी साख सृजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, तो इससे आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इतना ही इस वीडियो में रखते हैं। बाकी ये इसी प्रकार के अगर आपको चीज़ें चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पैट के लिए जितना भी सिलेबस है उसके पॉइंट टू पॉइंट और ये जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसके अगर नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक करके वहाँ से आप पैट जो है ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक बार अच्छा सिलेबस पर नज़र डाल देते हैं, उसमें भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आगे जो भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें साथ इंक्लूड कर लूँगा। तो आपका सिलेबस यही है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ये हिस्ट्री से आपका 5 अंक पूछे जाएंगे। अभी आने वाले वीडियोज में हम सब जो प्रीवियस ईयर में हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं आपको यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन करा दूँगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको अगर आप पैट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें क्या होगा कि आपका 90% गारंटी के साथ 90% क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन आपके GK के पूछे जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, इतिहास हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, सभी का जो है हैंड रिटन अगर आप चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सिलेबस से और कम समय में पॉइंट टू पॉइंट, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक करिएगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए यही सब सिलेबस है पूरा, पॉइंट टू पॉइंट इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे हैंड रिटन जैसे मराठा साम्राज्य, तो कम समय में आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।